तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आपके पास टेन इनवर्स रूट थ्री है, तो हमारे पास एक तो तरीका है कि हम लोग वैल्यू प्लेस कर दें, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि कुछ आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग काम करें। तो हम लोग यहाँ पे जानते क्या है कि जो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है और कॉट इनवर्स एक्स होता है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स या कॉट इनवर्स माइनस एक्स और जो कॉट इनवर्स एक्स होता है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये लॉजिकली आप इसको याद कर सकते हो, मतलब इनका सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब आप कॉट इनवर्स एक्स को आप अपने बुक में देखेंगे तो ये आपको फॉर्मूला लिखा होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो हम इसको लॉजिकली याद कर सकते हैं कि जो कॉट इनवर्स माइनस एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स है ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स को आप लिख सकते हो पाई माइनस, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें इसको, जो आपके पास लिखा हुआ है ब्रैकेट में प्लेस करेंगे ताकि माइनस की मिस्टेक ना करें, कॉट इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस पाई और प्लस कॉट इनवर्स हो जाएगा, पहले लिख ले रहे हैं। तो अगला स्टेप आपका होना चाहिए टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई। अब यहाँ से आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ये कॉट इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगेन आप आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे कॉट इनवर्स या टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है आपका पाई बाई टू होता है, या यूं कहें कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप प्लेस कर दोगे पाई बाई टू माइनस पाई, फाइनली क्या आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई टू, दैट इज योर आंसर।